दोस्तों, अगर आप भी 90 के दशक के बच्चे हैं तो आपको जादुई पेंसिल वाला शो शाका लका बूम बूम तो याद ही होगा, जिसमें काम करने वाले सभी मासूम से बाल कलाकार हम सभी के फेवरेट बन गए थे। खासकर संजू का किरदार निभाने वाला बाल कलाकार, जिसने अपनी मासूमियत से सभी को अपना दीवाना बना लिया था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस शो में काम करने वाले आपकी ये फेवरेट सभी बाल कलाकार इन बीते 20 सालों में आज इतने बदल गए हैं कि आप उन्हें एक नजर में देखकर पहचान नहीं पाओगे। साथ ही अब उन्होंने एक्टिंग छोड़ नए प्रोफेशन को अपना लिया है। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इस शो में काम करने वाले कुछ ऐसे ही बाल कलाकारों से रूबरू करवाने वाले हैं जो आज काफी बदल गए हैं। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो बाल कलाकार और आज कैसे दिखते हैं। नंबर 7, रीमा वोहरा। रीमा वोहरा ने शो में संजू की मासूम दोस्त संजना का किरदार निभाया था और इस शो के बाद इन्होंने दो दिल एक जान जैसे शोज में काम किया। लेकिन इन बीते 20 सालों में ये मासूम सी अभिनेत्री काफी बदल गई हैं और आज 22 साल की सुंदर लड़की की तरह नजर आती हैं। वहीं आज भी इन्होंने अपने अभिनय करियर को जारी रखा है और नजर 2 सीरियल में मालिनी चौधरी का किरदार निभा रही है। नंबर 6, शाइनी राज। शाइनी राज ने शो में ऋतु नाम की लड़की का किरदार निभाया था, पर इस शो के बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अपने करियर को विराम दे दिया था। लेकिन ये प्यारी सी अभिनेत्री आज 28 साल की खूबसूरत लड़की बन गई हैं, पर पढ़ाई के बाद इन्होंने अपना प्रोफेशन एक्टिंग से स्क्रिप्ट राइटर में बदल लिया है। इन्होंने शॉर्ट फिल्म कैफे नाइट की भी स्क्रिप्ट लिखी थी, जिसके लिए इन्हें अवार्ड भी मिला था। नंबर 5, मधुर। मधुर ने इस शो में फनी सरदार टीटो का किरदार निभाया था। इस शो को करने के बाद इन्होंने ऑस्कर विनिंग फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर में भी काम किया। लेकिन ये छोटे से फनी सरदार इन बीते 20 सालों में काफी बड़े हो चुके हैं और ये आज 29 साल के जेंटलमैन बन गए हैं। आपको बता दें कि इन्होंने जब से लेकर साल 2017 तक अपने एक्टिंग करियर को जारी रखा हुआ है और ये आखिरी बार मात्र फिल्म में दिखे थे, पर इस फिल्म के बाद से अब तक इन्होंने अपने करियर से ब्रेक लिया हुआ है और अपने घर पर आराम कर रहे हैं। नंबर 4, आदित्य कपाड़िया। आदित्य कपाड़िया ने इस शो में संजू के मैजिक पेंसिल से बने झुमरू का किरदार निभाया था। इस शो के बाद ये टीवी शो सोन परी और फिल्म हेरी पुत्तर में भी नजर आए थे। लेकिन झुमरू का किरदार निभाने वाली ये बाल कलाकार बीते 20 सालों में काफी बदल चुके हैं। ये आज 33 साल के चार्मिंग अभिनेता बन गए हैं और आज भी इन्होंने अपने करियर को जारी रखा हुआ है। ये हाल ही में गुजराती फिल्म आओ तारू करी नखू में दिखाई दिए हैं। नंबर 3, जेनिफर विंगेट। इस शो में मासूम लड़की पिया का किरदार अभिनेत्री जेनिफर विंगेट ने निभाया था, जिसके बाद इन्होंने कसौटी जिंदगी की जैसे शोज में भी काम किया। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि मासूम सी पिया 20 सालों में आज काफी बड़ी हो गई हैं। ये आज 35 साल की उम्र में बहुत ही सुंदर और ग्लैमरस नजर आती हैं। आज भी इन्होंने अपने अभिनय करियर को जारी रखा हुआ है। हाल ही में ये बेहद 2 में माया के रूप में दिखाई दी थी, पर वर्तमान में कोड एम वेब सीरीज में कैप्टन मोनिका मेहरा के रोल में नजर आ रही हैं। नंबर 2, हंसिका मोटवानी। हंसिका मोटवानी शो में संजू की बेस्ट फ्रेंड करुणा के किरदार में नजर आई थी। इस शो के बाद इन्होंने टीवी शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी और फिल्म कोई मिल गया में काम करने के बाद अपने करियर को विराम दे दिया था। लेकिन बतौर बाल कलाकार काम करने वाली इस अभिनेत्री में आज पहले के मुकाबले काफी बदलाव आ गया है। ये आज काफी सुंदर और स्टाइलिश नजर आती है। आपको बता दें कि साल 2007 में ये आपका सुरूर फिल्म से अपने करियर की दोबारा शुरुआत कर चुकी हैं, जिसके बाद इन्होंने तमिल की कई फिल्मों में काम किया है। साथ ही ये तमिल इंडस्ट्री में सक्रिय हैं और इनकी आने वाली फिल्म महा है। नंबर 1, किंशुक वेद्या। शो में मैजिक पेंसिल वाले बच्चे संजू के किरदार में किंशुक वेद्या नजर आए थे,
पर इस शो के बाद इन्होंने अपने करियर को विराम दे दिया था। लेकिन दोस्तों, हम सभी के चहेते संजू इन बीते सालों में काफी बदल गए हैं। ये आज 30 साल के हैंडसम पर्सनालिटी वाले शख्स बन गए हैं। वहीं आपको बता दें कि साल 2016 में एक रिश्ता साझेदारी का शो से ये अपने करियर की दोबारा शुरुआत कर चुके हैं और वर्तमान में स्टार भारत के शो राधा कृष्णा में अर्जुन का किरदार निभा रहे हैं। तो दोस्तों, इनमें से आपका फेवरेट किरदार कौन सा था, आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।